जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडेज आई विल टॉक अबाउट टिश्यू, योर नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू। आपका सेल चैप्टर वो ख़त्म हो गया है, जो आप सेल स्ट्रक्चर जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस को आपने पढ़ा था, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ये सब आपने पढ़े थे, वो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। अभी आपका अगला चैप्टर है टिश्यू, यूरो टिश्यू। जब आपको सेल समझ में आ जाएगा तो आपको टिश्यू भी समझ में आ जाएगा। ओके, मींस टिश्यू क्या है? सेल से ही बना होता है। मींस टिश्यू किससे बना होता है? सेल से ही बना होता है। आप कह सकते हो क्या? ग्रुप ऑफ सेल, मींस कम से कम दो सेल होना चाहिए टिश्यू बनने के लिए। कम से कम कितने सेल होने चाहिए? दो। ग्रुप ऑफ सेल, अब ग्रुप बनाने के लिए तो दो सेल होना चाहिए या तीन या उससे ज्यादा। तो ग्रुप बनाने के लिए सिंगल सेल तो ग्रुप को हम कहेंगे नहीं, मीन्स सिंगल सेल का ग्रुप नहीं कहा जा सकता। कम से कम दो सेल तो होने चाहिए ग्रुप बनाने के लिए। सो ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। मीन्स एक सेल का ऐसा ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा ही हो सभी सेल का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। ये आप देख पा रहे हो, ये आज का टॉपिक है टिश्यू। ये नया चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6, टिश्यूज। ओके, इसमें आप प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू देखोगे। मीन्स जितने भी प्लांट्स हैं, पूरा प्लांट किंगडम सब किससे बना हुआ है? प्लांट टिश्यू का बना हुआ है। हम लोग यानी एनिमल्स किससे बने हुए हैं? एनिमल टिश्यू के बने हुए हैं। सो हम डेफिनेशन ऑफ टिश्यू देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ टिश्यू देखते हैं। ओके, सो कम टू द पॉइंट। ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मैंने क्या बताया? जैसे सपोज डैट, यहाँ देखिए आप, जैसे सपोज डैट ये एक सेल है और एक सेल ये है, कम से कम दो सेल होना चाहिए। ओके, और दो से ज़्यादा चाहे जितने हो, एक ग्रुप होना चाहिए सेल का। और कंडीशन क्या है? वो जैसे ये सेल है वैसे ये सेल भी होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर में ये सेम होना चाहिए। और हाँ, स्ट्रक्चर में सेम तो हैं, इनका फंक्शन भी एक जैसा होना चाहिए। जो फंक्शन इसका है वही फंक्शन इसका भी होना चाहिए। ओके, तो हम इसको क्या बोल देंगे? टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल, ओके, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। यहां डेफिनेशन में क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल, ओके, ग्रुप होना चाहिए। सिमिलर इन स्ट्रक्चर मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। अगर सभी लंबे सेल है तो सभी लंबे होने चाहिए, ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए बस। और सिमिलर स्ट्रक्चर मीन्स एक जैसा होना चाहिए सभी सेल को, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, तो वो टिश्यू है। सो दैट वर्क्स टुगेदर द पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, मीन्स वो सभी जो ग्रुप में सेल है वो एक जैसा काम भी करें, एक जैसी उनकी रचना भी होनी चाहिए और एक जैसा उनका काम भी होना चाहिए, तो ही हम उसको टिश्यू बोलेंगे। ओके, ये देखिए, ऑल सेल ऑफ अ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन, मीन्स अगर टिश्यू है उसके जितने भी सेल होंगे ग्रुप में वो सब एक जगह से ही ओरिजिन होना चाहिए। ओके, तो टिश्यू के ये क्राइटेरिया हैं। सो आप देख पाओगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ये देखिए, प्लांट टिश्यू यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे एनिमल टिश्यूज कुछ है। देखिए, हम यहाँ केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेके आए हुए हैं, मीन्स आप पहले नाम जानिए कि टिश्यूज होते क्या हैं। जैसे अभी आप प्लांट टिश्यू में देख पाओगे मैरास्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मैरास्मेटिक टिश्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू, इंटरलैटरल टिश्यू। नेक्स्ट, परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, कॉलरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम, जाइलम, यू नो जाइलम, फ्लोएम। तो ये प्लांट टिश्यू के आपको नाम देखना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इनका डिटेल लेके आएंगे। ओके, सो प्लांट टिश्यू में आप प्लांट, जितने भी प्लांट टिश्यू हैं सब उनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। सो आई कैन से इन वर्ड, प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट इज मैरास्मेटिक टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। सो मैरास्मेटिक टिश्यू डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स, एपिकल, एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू आई कैन डिवाइड इंटू टू मेन पार्ट्स ऑल्सो, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स। इन सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कॉलरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा।
दीज आर सिंपल टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम जाइलम जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू मीन्स प्लांट के ये परमानेंट टिश्यूज हैं. ओके सो इन एनिमल टिश्यू यू नो एनिमल टिश्यू डिवाइडेड इंटू फोर मेन पार्ट्स एपिथेलियल मस्कुलर कनेक्टिव एंड न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू. सो एपिथेलियल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू नर्वस टिश्यू. ओके इन एपिथेलियल टिश्यू सिकुमस क्यूबॉइडल कॉल्वनर सिलिएटेड दीज आर पार्ट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये आपको इंपॉर्टेंट है ये नाम आप देखिएगा इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ. सिकुमस क्यूबॉइडल कॉल्वनर देखिए कॉल्वनर को हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्लैंड्स होते हैं इन सेल्स के टिश्यूज में. नेक्स्ट सिलिएटेड टिश्यू नेक्स्ट वन इज मस्कुलर टिश्यू. यू नो मस्कुलर ह्यूमन बींग्स में कितने मसल्स हैं 639 उनको थ्री टाइप्स मसल्स में सेपरेट किया गया है अलग किया गया है स्टेटेड स्मूथ कार्डियक. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू एरोलर एरोलर मींस लिगामेंट और टेंडेंस ये एग्जांपल होंगे उसमें एडिपोज और स्केलेटल स्केलेटल में आपको कार्टिलेज और बोन्स पढ़ने हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लूइड यू नो फ्लूइड ब्लड एंड लिम्फ ब्लड एंड लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स के बने होते हैं न्यूरॉन्स के सेल होते हैं उसमें. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप टिश्यूज के नाम्स को क्लियर कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोटबुक में लिखिएगा इसको टिश्यू ये टॉपिक डाल के इसके नाम आपके बुक में होना चाहिए. आपने कौन कौन से नाम देखे एक बार रिवाइज करते हैं एपिकल एपिकल टिश्यू लेटरल टिश्यू और इंटीग्रेटेड टिश्यू. कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम ये प्लांट सेल में है जो कुछ मेरिस्मेटिक है और कुछ परमानेंट टिश्यू है. एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल मस्कुलर कनेक्टिव नर्वस टिश्यू इसमें पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे. सो जैसे आप सेल को पढ़े थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो थोड़ा सा उस यूनिट से आगे बढ़ेंगे तो आपको टिश्यू ही मिलेगा. टिश्यू से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ऑर्गन मिलने वाला है. ऑर्गन से जब आगे बढ़ोगे तो ऑर्गन सिस्टम मिलेगा. ऑर्गन सिस्टम पूरी बॉडी को मेंटेन करता है मींस बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसकी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है सेल है. सेल से ऊपर आएंगे तो टिश्यू मिलने वाला है. टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन फिर कई ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम के बाद बॉडी मिलने वाली है. मतलब जो काम टिश्यू कर रहा था थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वहां पे जटिलता आ गई है. अब हम टिश्यू को पढ़ेंगे. ओके सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.